अगर आप A&M कोर्स करना चाहती हैं या चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि ये किस तरीके से होगा, इसे लड़का करता है या लड़की करते हैं, इसमें कितनी फीस लगती है, तो ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम A&M से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। जैसे कि A&M का फुल फॉर्म क्या होता है, A&M कोर्स क्या है, A&M कोर्स कैसे करें, A&M कोर्स के लिए योग्यता क्या चाहिए, कितने साल का होता है कोर्स करने के लिए, कितनी फीस लगती है, कोर्स के काम क्या होते हैं, सैलरी कितनी होती है, A&M के बाद नौकरी आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो ये सारे पॉइंट्स पर हम डीपली बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं A&M का फुल फॉर्म क्या होता है। A&M का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जिसका हिंदी में अगर हम बात करें मतलब है सहायक नर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप एक सहायक नर्स के तौर पर काम करना शुरू कर सकती हैं हॉस्पिटल्स में या फिर और भी कई सारे सेक्टर्स में, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अगला सवाल है कि A&M कोर्स क्या होता है। देखिए, A&M कोर्स एक तरीके का नर्सिंग कोर्स होता है, जैसा कि हमने पहले बात करा है। इसकी अवधि 2 साल की होती है और इसमें आपको 6 महीने का इंटर्नशिप भी करना होता है, तो लगभग 2.5 साल का कोर्स आपका पूरा पूरा पड़ जाता है, जिसके बाद आप आसानी से मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बना सकती हैं। अभी सवाल आता है कि A&M कोर्स हम कैसे करें, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता के तौर पर आप केवल 12वीं पास होनी चाहिए। ध्यान रहे, 12वीं पास आप आर्ट से भी हो सकती हैं या फिर आपने बायो से किया हो। ये दो स्ट्रीम से अगर आप 12वीं पास हैं तो आप कर सकती हैं आसानी से A&M कोर्स को। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पर A&M के एडमिशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है और कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पर बिना एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट के आधार पर जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसी के आधार पर डायरेक्ट आपको एडमिशन दे दिया जाता है। फिर भी मिनिमम 45% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए 12वीं में अगर आप A&M कोर्स करना चाहते हैं। इसी के साथ में यहां पर आयु निर्धारित की गई है 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक, तो इसके बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप आसानी से A&M का कोर्स कर सकती हैं बिना किसी समस्या के। अभी एक चीज बात करते हैं कि फीस कितनी लगती है A&M कोर्स को करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से A&M का कोर्स करना चाहती हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से A&M कोर्स करते हैं तो आपको 10,000 से 15,000 रुपए सालाना देनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से A&M का कोर्स करते हैं तो वहां पर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए भी सालाना देना पड़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। पर सरकारी कॉलेज से करने के लिए आपके मार्क्स इंटर में अच्छे होने चाहिए, आपका एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा और वो पास करने के बाद ही आप जा सकते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। सपोज दैट A&M कोर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं तो अभी हमें कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको मरीजों की देखभाल करनी होगी। उसके अतिरिक्त जो डॉक्टर्स ऑपरेशन वगैरह करते हैं उनके साथ आपको रहना होगा, उनकी छोटी मोटी हेल्प करनी होगी, मरीजों का समय समय पर चेकअप करना होगा और ख्याल रखना होगा, मरीजों के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना होगा और हॉस्पिटल की केयर करनी होगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो वो पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप किस संस्था में हैं। अगर आप A&M बनना चाहती हैं तो उसके लिए सरकारी नौकरियां भी निकलती हैं और प्राइवेट भी। सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसे A&M की की जाती है जो ग्रामीण इलाकों में जाकर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण वगैरह करती हैं या फिर कोविड वगैरह के लिए जो वैक्सीनेशन करने के लिए जाया जाता है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है। और इसके अतिरिक्त आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी 10 से 15 हज़ार रुपये तक सैलरी हो सकती है स्टार्टिंग में अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में हैं तो, और गवर्नमेंट में अगर आप जाते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। हम बात करते हैं कौन कौन सी नौकरियां हमें मिल सकती हैं अगर हम A&M का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, गैर सरकारी संगठन NGO, आश्रम, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम, ट्रामा सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर या फिर अगर कोई वाटर पार्क वगैरह है बहुत बड़ा सा, उसमें भी आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि वहां पर भी लोग अक्सर इंजर्ड हुआ करते हैं थोड़ा बहुत, तो वहां पर भी नर्सेस की आवश्यकता पड़ती है और वहां पर होती हैं नर्सेस। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें नर्सिंग कोर्स के लिए तो टॉप कॉलेजेस कुछ इस प्रकार हैं: IIMT मेरठ, राजीव गांधी पैरामेडिकल कॉलेज दिल्ली, साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग देहरादून, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून, इंदिरा गांधी स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज, असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, तीर्थकर महाविश्वविद्यालय। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से आप आसानी से नर्सिंग के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि A&M कोर्स क्या होता है और आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।